आपने लगाया रिवर्स गियर, अब इसको हटा दो। डिसएंगेज होने के बाद भी ये जरूर प्लेन यहां से भी कंट्रोल होने लगेगा। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। नमस्कार दोस्तों, इंजन विद टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये है ऑल न्यू अपडेटेड टाटा हैरियर XT प्लस। आज अपन आपको दिखाएंगे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम फर्स्ट ऑन YouTube पूरी तरीके से डिटेल से। तो करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम चलते हैं अंदर। तो आप पहले लेआउट देख लो। ये चाबी हम रख देते हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे ध्यान से इंस्ट्रूमेंट पैनल में, तो कुछ येलो कलर का इंसर्ट आ गया इसमें और ये पूरा आपको चेंज दिख रहा होगा। इसको ऑन करते हैं तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है। क्या बात, इंफोटेनमेंट सिस्टम इतने जल्दी स्टार्ट हुआ, ऐसा पहले नहीं देखा था मैं। तो ये हो गया अपना चालू इंस्ट्रूमेंट पैनल। इसमें सिर्फ ये पीला इंसर्ट आया है जो कुछ ये बताता है कि इसमें BS6 फेस 2 आ गया है। मेन चेंज इसकी तरफ अपन अगर देखें तो ये है 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ में, 200 से ज्यादा लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले देखो तो सामने आपको विजिट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसको आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो, जैसे ये FM रेडियो वाला। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल का भी विजिट सामने, इसके अलावा अपना ब्लूटूथ का भी सामने ही है विजिट, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर प्यूरिफायर का भी विजिट सामने, और ये जो स्कोर्स होते हैं जैसे इकोसेंस, जैसे इसमें भी आया करता था पहले, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। बट टच रिस्पॉन्स वाकई बहुत इम्प्रूव है, नो डाउट। ये देखिए आपको एड न्यू विजिट वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो कोई नया विजिट। अभी ये हटा भी सकते हो आप AQA ड्राइव नेक्स्ट को भी हटा सकते हो जो स्कोर मैंने दिखाया था, बट हम नहीं करेंगे। होम बटन आपका किधर है, ये इसको एक बार दबाओगे तो आप होम में चले जाओगे। चलिए नीचे से स्लाइड करते हैं, कोई चीज नहीं है। ऊपर से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट और यहाँ पे डे दिख रहा है। ब्राइटनेस यहाँ से कम ज्यादा हो जाती है। इधर है सोर्स, आपको कौन से गाने वगैरह चलाने हैं, USB ऑडियो, ब्लूटूथ, रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी है, अभी दिख नहीं रहा, वो अपडेशन के बाद आ जाएगा। मीडिया में जाएंगे तो जो मीडिया अपन ने सिलेक्ट किया सोर्स की मदद से वो आ जाएगी। डिवाइस लिस्ट में जाएंगे तो जो आपका ब्लूटूथ वाला काम था वो ये करके देता है, ये ब्लूटूथ वाला काम करके देता है। बैक करते हैं, ये बैक बटन। इसके अलावा वाईफाई में गए तो ये हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हो और वाईफाई से इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। पार्क असिस्ट, कैमरा, एडाप्टिव स्टीयरिंग व्हील गाइडलाइंस के साथ आता है ये। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सेंसर का भी आवाज जो है बदल गया है अब। नोटिफिकेशन, खैर अभी तो कोई नहीं आई है, कोई भी जब वार्निंग वगैरह आएगी तो यहां पे आएगी चीजें। एक ऑफ मोड यहां पे मिलता है, ये डिस्प्ले ऑफ मोड एक्टिवेटेड, डिस्प्ले विल मोमेंटली टर्न ऑफ, तो जब जरूरत नहीं होगी तो ड्राइवर को अगर नहीं चाहिए तो या आप मतलब इसको बंद कर सकते हो जब ड्राइव करते हो। नेक्स्ट आते हैं सेटिंग की तरफ, तो आपको यहाँ पे सफारी बनी दिख रही है और ये आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो एक एक करके इसको समझते हैं। ऑडियो में चलते हैं तो ये आपको तरह तरह के वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, इक्वलाइजर मिल जाता है, बैलेंस फेडर मिल जाता है, बराबर ये हर गाड़ी में सेम ही होता है। कनेक्टिविटी में चलें तो वाईफाई और हॉटस्पॉट ये आ गया। ड्राइवर असिस्टेंट्स में गए तो पार्क असिस्ट की टोन आप डिफरेंट टाइप की सेट कर सकते हो। दूसरी टोन आ गई और अब तीसरी टोन, ओके ये तीन टोन्स मिलती हैं। इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हो आप, जो बहुत ही रिटीटिंग रहेगी तो वो आप इससे कम कर दो।
इसके अलावा डिले यहाँ पे फीचर मिलता है। मान लो आपने रिवर्स गियर जब लगाया और उसके बाद भी आपको चाहिए कि थोड़ी देर तक कैमरे का डिस्प्ले ऑन रहे, तो वो चीज यहाँ पे, जैसे अभी 0 सेकंड पे, तो आपने अभी लगाया रिवर्स गियर, कैमरा आ गया, अब जैसे ही हटाया हट गया। लेकिन अब अगर 10 सेकंड में डाल दोगे तो ये देखो, आपने लगाया रिवर्स गियर, अब इसको हटा दो। डिसएंगेज होने के बाद भी ये जो है वो लगा हुआ है, और ऊपर देखिए पार्क ब्रेक एंगेज है, अभी लगा हुआ है हैंड ब्रेक, ये हट गया, तो इसको 0 सेकंड ही कर देते हैं। ये फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा HMI डूडल, ये कुछ स्टिकर्स वगैरह का है, ये जब आगे पता चलेगी चीजें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अभी बहुत नया मैं भी हूं इसके लिए। फोन सेटिंग में वही ब्लूटूथ वाली चीजें, ऑटो SMS, SMS अलर्ट, नोटिफिकेशन वगैरह। सॉफ्टवेयर अपडेट जब आएगा, अभी जो करंट वर्जन है उसके बारे में बताएगा। सिस्टम के बाद बात करें तो क्लॉक वगैरह जो आपको मिलती है, फैक्ट्री रीसेट करना है, फोर्स रीस्टार्ट करना है, अबाउट में जाना है, अपना डला हुआ सॉफ्टवेयर उसके बारे में जानना है, तो वो यहाँ पे मिलता है। सिस्टम ये बता चुका। व्हीकल में चलते हैं, तो इसमें आपको जो फॉलो मी होम हेडलैम्प मैंने जलाया था ना, मतलब जब आप अनलॉक करते हो गाड़ी को तो अप्रोच लाइट जो रहती है कितने सेकंड तक रहनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड। ओके, नेक्स्ट है अपना वॉइस असिस्टेंस। हे टाटा, ओपन रेडियो। ओके प्लेइंग। ठीक है, ये हे टाटा वाला फीचर आ गया है। अब इसमें अपडेट्स भी आप चेक कर सकते हो, या तो USB से करना पड़ेगा या तो डाउनलोडेड जो एप्लीकेशन है उससे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाकी इसमें ना आपको बहुत सारी और लैंग्वेज भी मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश। हे टाटा, रेडियो चलाइए। जरूर, प्लेइंग। ठीक है, ये तो इसमें तरह तरह की लैंग्वेज है। तो ये हो गई इसकी पूरी सेटिंग। वाकई टच में काफी, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, फंक्शनल अच्छा दिया हुआ है। बैक कर दिया। अब अगर आपको ऐसे वाले मेन्यू में जाना है तो वो आप यहां से जा सकते हो, जैसे आप इसको दबाओगे ना बीच में, एंड्रॉयड ऑटो, AQI, एंड्रॉयड ऑटो भी वन प्लस नॉट से कनेक्ट होगा किसी का, AQI, क्लाइमेट। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि आपको इसका भी डिस्प्ले अब इंफोटेनमेंट सिस्टम में पूरी तरीके से मिल जाता है। पहले थोड़ा मिलता था, अब पूरी तरीके से मिल जाता है। कैसे? ये इसी से फंक्शन होगा तब जब आप यहां से इसको कंट्रोल करोगे। फिर आपका यहां से भी कंट्रोल होने लगेगा। ओके, AQI का डिस्प्ले यहां पे भी आपको मिल जाएगा। बैक की आपने ऑफ कर दो। ठीक है, इसको बैक करते हैं। क्लाइमेट, ड्राइव, नेक्स्ट, आपके स्कोर वगैरह, करंट ट्रिप, ट्रिप बी, ट्रिप ए, लास्ट ट्रिप, ये सारे स्कोर आपको मिल जाएंगे। एफिशिएंसी, ड्राइविंग सेफ्टी, कितना फ्यूल इकोनॉमी दिया, कितना एक्सेलरेशन आपने किया, यूज किया अच्छे से गियर की नहीं किया, रैश ड्राइविंग तो नहीं करी, हार्श ब्रेकिंग तो नहीं करी, सीट बेल्ट लगाया आपने, सब बताएगा स्कोर वगैरह। इमेज व्यूअर, अभी इमेज ही नहीं है, जब USB से कनेक्ट करोगे तब आएगा। मीडिया में USB, ऑडियो, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले शायद अभी कुछ सॉफ्टवेयर के बाद आए। पार्क असिस्ट मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसमें भी आपको ये दो व्यूज मिल जाते हैं, और इसको भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इसकी भी आवाज यहां से बढ़ा सकते हो। ओके, फोन में जाओगे, अगेन वही चीज, बैक करते हैं। कैंसल्ड। फोन सेटिंग गए, फोन में भी वही चीज है, फोन सेटिंग में भी वही चीज है, क्विक कंट्रोल्स में ये चीजें मिल रही हैं।
ऊपर करते हैं, रेडियो का डिस्प्ले सेटिंग, ये मैंने पहले दिखा दी, साउंड डेमो, वीडियो डेमो, ट्रैक डेमो और वीडियो डेमो भी यहाँ पे मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कैंसल वर्ड, थ्री वर्ड पहले से आता है, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई सारी चीजें। कहेंगे आज ये 15 खास जड़ी बूटियों से बना आयुर्वेदिक। अब फिजिकल बटन सारी हट गई है, सब इसी से करना है आपको, बिकॉज बटन लेस जमाना हो चुका है ना। तो ये चीजें थी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। बाकी ये ऊपर की बात भी बता दूं तो यहां से आपका डायरेक्ट क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, यहां से आपका साउंड आ जाता है, यहां से आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, यहां से आप ऐप ड्रॉवर में चले जाते हो, यहां से आप कुछ भी सर्च करना है वो कर सकते हो, कॉन्टैक्ट वगैरह, और यहां से बैक। अभी ये कट है बट आप इसको दबाओगे तो इस स्क्रीन पे आ जाओगे टेम्परेचर वाले। बाकी टाइम बता देता है, ये डेट और डे बता देता है, तो काफी फंक्शनल है। और टच रिस्पॉन्स वाइज अब ये काफी हद तक इम्प्रूव हो गया। तो ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ टाटा हैरियर XT प्लस आफ्टर अपडेट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी नई टाटा की गाड़ी चाहिए और आप भोपाल में रहते हो, यू कैन विजिट वरेनियम टाटा जो कि JK रोड पे लोकेटेड है। बेस्ट डील ऑफ और ऑफर के साथ आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और कोई सर्विस में भी परेशानी नहीं है। एक चीज और, हाँ बोनस चीज सुना रहा हूँ, मोड्स की भी आवाज लेडी की बदल गई है, ये देखिए। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। चलिए